अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत अमेजिंग ट्रिक शेयर करूंगी कि 9th का टेबल कैसे हम बहुत मज़े से और इजीली 2 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है बहुत मज़े की, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप सब ने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है और फिर आप सबको कैसी लगेगी फिर ये भी आप सब ने बताना है। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है कि हम कैसे 9th के टेबल को एक ट्रिक के साथ कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक आपने सीखनी है जिससे आप उसे आसानी से लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये देखें आप सब, मैंने पहले ही एक 9th का टेबल ये प्रॉपर पूरा यहाँ पे लिख लिया है, तो अब मैं जल्दी से इसको सॉल्व करूँगी। पहले आपने करना है 9 × 1 = 9, पहले आपने ये लिख लेना है, फिर उसके बाद 9 × 10 = 90, ये पहले आपने लिख लेना है। ये दो काम आपने सबसे पहले करने हैं अच्छे से याद रखने को। फिर अब इसके बाद आप जब लिख रहे हो तो आपने क्या करना है, 9 से आपने उल्टी गिनती लिखनी है और 0 से आपने सीधी गिनती लिखनी है। बस ये सिंपल सी ट्रिक है कि कैसे हम 9th का टेबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। अब 9 × 10 = 90, तो यहाँ से ट्रिक शुरू होगी। 9 से उल्टी गिनती लिखनी है और 0 से सीधी, तो मैं लिखती हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया, और 0 से सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लें, टेबल सॉल्व हो गया है। बस ये सिंपल सी और इजी सी, इतनी छोटी सी ये ट्रिक थी, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं खुद बचपन में टेबल्स याद करने से डरती थी और मुझे मैथ्स बुरा लगता था, तो मैंने ये ट्रिक खुद ही बैठे बैठे एक दिन दिमाग में मेरे आई और मैंने इसको निकाल लिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है, तो लोग कहते हैं जर्नलिस्ट का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता मेरा। मगर ये देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये टेबल सॉल्व हो गया, 9 से उल्टी गिनती और 0 से सीधी गिनती। ठीक है, ट्रिक आप सबको कैसी लगी, आप सब ने पूरी देखी, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ये बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है, तो बच्चों के लिए भी, और मैं खुद भी इसी ट्रिक को अप्लाई करती थी क्योंकि मुझे मैथ बहुत टफ लगता था। अगर आप सबको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।